नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक गाना आपके सामने मैं ले के आया हूँ। मैं गाना सुनाऊंगा नहीं, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं बजाऊंगा, सिर्फ ऐसे ही मैं बताऊंगा। एक गाना आपने सुना होगा, आवाज़ देके हमें तुम बताओ, इस टाइप से कुछ गाना है। आवाज़ देके हमें तुम बोला मोहब्बत में, इस टाइप का गाना है। तो इस गाने को मैं आज जब मैं बताऊंगा, इस गाने में जो ताल बजा है वो झपताल है, और झपताल 10 मात्रे का होता है। तो कैसे बजाते हैं इस गाने को मैं आज बताऊंगा। इसका बोल है धीना धी धीना तीना धीना धी धीना ना धीना धी, इस टाइप से गा धीना धी धीना तीना धीना धी धीना ना धीना धी धीना तीना धीना धी धीना ना, ये बोल है इस तबले का। तो मैं तबला पे नहीं बता रहा हूँ, ढोलक पे ही बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से इसको सीखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप करने से बहुत सारे चीज़ छूट जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इसको पूरा देखिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाना स्टार्ट होता है। ये बोल है धीना धी धीना तीना धीना धी धीना धीना धी धीना तीना, तो ये गाना कुछ इस प्रकार से गाया हुआ है। और इस गाने में म्यूजिक में जो बजा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों ढोलक नहीं बजा है, यहाँ बस ऐसे ही तो इस टाइप से बजा हुआ है। पूरे गाने में बस इतना ही बजाना है, यही दो चीज़ बजाना है, आपको पूरा गाना बज जाएगा, पूरा गाना कंप्लीट हो जाएगा, कोई कट नहीं है इसमें, बस यही एक पार्ट है म्यूजिक का। तो इसको आप बजाइएगा, मात्र दो चीज़ से आपको पूरा गाना आप बजा पाएंगे, बिगनर और जो बजाते हैं उनके लिए नहीं है, मैं फिर से बता दूँ, जो नहीं बजाते उनके लिए है। तो एकदम सिंपल है, आप काउंटिंग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, एक दो एक दो तीन, 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 इस टाइप से ये काउंटिंग चलेगा, इस टेम्पो को बजाना है। हाँ, तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कैसे बजाना है इसको। धीना धी धीना धी धीना तीना धीना धी धीना, तो ये बोले तो आते हैं धीना धी धीना धीना धी धीना, तो धीना धी धीना तीना धीना धी धीना ना, इस टाइप से है। तो इसको और स्लो में करता हूँ। और इधर का आप पार्ट देखिए कैसे, इस साइड में कैसे है देखिएगा।
दिख रहा होगा आपको। दूसरे साइड ये देखिएगा, किन्हीं को यह डाउट होगा कि ये जो मैं मार रहा हूँ तो ये तो के है, तो ये कैसे लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इधर मैं तीना, ये ती जो मार रहा हूँ ना, ये सपोर्ट के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, ताकि इसका और इसका डेप्ट मिल के आए और अच्छा लगे, ठीक है। ये इसके सपोर्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये नहीं भी मार सकता हूँ, तो ये देने पर थोड़ा अच्छा लग रहा है और हाथ भी थोड़ा बिजी रह रहा है तो अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, धीना धी धीना 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 धी धीना ना, फिर से देखिएगा, धीना धी धीना 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 धी धीना ना। कुछ यहाँ कुछ नहीं है, ये फिंगर सिर्फ मैं मार रहा हूँ, ये मार रहा हूँ, धी धी ना ना, फिंगर देखिएगा, धी ना धी धी ना ती ना धी ना धी धी ना ना, धी ना धी धी ना ना, धी ना धी धी ना ना, ठीक है। जितना कीजिए उतना अच्छा है, और इधर तो मैं बता ही चुका है। लास्ट वाला जो है दीना दीदी नाना, और जो म्यूजिक में है, म्यूजिक एकदम सिंपल है, देखिएगा, ये जो है काउंटिंग खुद ब खुद आ जाएगा आपको, काउंटिंग से बजाइएगा तो खुद ब खुद सम आ जाएगा, आप वहाँ से पकड़ लीजिएगा। कुछ नहीं, यहाँ कोई ताल यूज नहीं, बस ये हम पुश कर रहे हैं, इसको सटा रहे हैं इस तरह से, थपकी जो मारते हैं हम लोग तो एकदम हल्का हल्का इसको छू रहे हैं, बाकी काम इधर का है, देखिएगा इस तरह से यहाँ मैं बता रहा हूँ। पहला में है एक दो, उसके बाद फिर दो बार,
27 है, फिर तीसरा में ये, ठीक है। अब इधर ये सब देखिए, ये बोल सिंपल है। तो इतना वो गाना में आप इस जो गाना है आवाज़ देके झपताल का, झपताल ताल जिसमें बजा हुआ, वो उस गाने को आप इस दो ताल को बजा कर आप क्लियर ही पूरा क्लियर बढ़िया से बजा सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इसको और एक गाना आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इस गाने में और कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमको पता चलते रहे। तो एक बार जाते जाते मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ, तो एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे ऐसे नहीं चल रहा है, जिसको ऐसे बजाने के लिए ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का। और कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइए, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होता है और होना भी चाहिए। और एक बात और, वीडियो को कृपया शेयर कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।